तो दोस्तों ये हमारे लगभग आज 40 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड हैं। ये अभी हम इसमें मॉक टेस्ट ही आप इसको बोल सकते हैं कि ये 40 नंबर का जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, और देखते हैं आपके इसमें जो है कितनी तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं ये आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है नेल्स, जो हमारे नाखून है, कंसिस्ट ऑफ द मॉडिफाई डैश सेल। ओके, तो ये नेल है, ये कौन सी सेल को जो है कंसिस्ट करते हैं? एंड द राइट आंसर इज एपिडर्मल। ओके, जैसे ये हमारी फिंगर है, ओके ये हमारी जो है फिंगर है, तो यहाँ पे ये नेल होगा। ओके, ये नेल है, तो एपिडर्मल जो सेल है ये आउटर लेयरिंग ऑफ स्किन होती है, आउटर लेयरिंग ऑफ स्किन, तो आउटर साइड में ही हमारे नेल होते हैं, तो इसी वजह से ये एपिडर्मल सेल जो है वो कहलाती है। हाइपोडर्मल जो है वो इनर सेल होती है स्किन की, इनर सेल। ओके, तो जो चीज़ें हाइपोडर्मल में आएंगी वो इनर सेल से रिलेटेड होंगी, और जो एपिडर्मल में आएंगी वो आउटर से। तो नेल जो है हमारा आउटर है, इसी वजह से एपिडर्मल में आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो पोंड सिल्क इज नोन एज, जो पोंड सिल्क है इसको क्या बोला जाता है? इसको स्पायरोगायरा भी बोला जाता है। उसके बाद है विच सिटी इज नोन एज द परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया, परफ्यूम सिटी किसको बोला जाता है? राइट आंसर है कन्नौज को, और कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, उसके बाद है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बताना है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे चोना मे, चोना मे इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर हम सीएम की बात करते हैं कि सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश का, तो पेमा खांडू इज़ द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे हेमिस जो है एक फेस्टिवल है 2 दिन का, ये किस पार्ट में मनाया जाता है इंडिया के? तो आपका आंसर होगा लद्दाख में जो है ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि थोड़े इसी लेवल के जो है आपके पास आईबी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसी वजह से हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, ये स्टार्ट किया गया था, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव था, तो किस मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया था? और इसका राइट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और ये किसके रिगार्डिंग स्टार्ट किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है ये रिलेटेड था। ओके, एंड उसके बाद है हाउ मैनी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, मतलब कितने टाइप की मैकेनिकल वेव होती हैं? तो आपका आंसर होगा 2 टाइप की। फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी जो टाइप की होती है ट्रांसवर्स। ओके, उसके बाद है एक गे लुसेक्स लॉ होता है, तो ये किस जो इस जब ये लॉ हम अप्लाई करते हैं तो दो चीज़ें जो हैं, दो पैरामीटर हमको कॉन्स्टेंट रखने पड़ते हैं, तो ये कौन से हैं? उसमें से दोनों हैं वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम को जो है हमने कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है। एक्चुअली ये है क्या, गे लुसेक लॉ बोलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर की, तो इसी वजह से हमको वॉल्यूम एंड मोल, मोल होते हैं मतलब कितनी अमाउंट ऑफ गैस है आपके पास, तो वो जो है कॉन्स्टेंट रखनी होती है। तो मतलब यहाँ से एक आपके पास केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो जो है आपको इस तरीके से आपको डिवाइड रखना है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके, और फिजिक्स से कितने क्वेश्चन हैं, करंट से कितने हैं, केमिस्ट्री से कितने हैं, बायो से कितने, तो आपको इस कैटेगरी वाइज जो है अपनी तैयारी रखनी है। उसके बाद हम करेंगे सर्टेन ओर ऑफ मेटल्स, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ लेड। ओके, तो हमने लेड का ओर बताना है, एंड द राइट आंसर इज़ फर्स्ट सेरुसाइट इज़ द ओर ऑफ लेड। ओके, अगर हम बात करते हैं डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट जो किसका ओर है? तो डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का ओर है, और सेसेटराइट इज़ द ओर ऑफ टिन। ओके, टिन का है, और मैलाचाइट जो मैलाचाइट है ये किसका ओर है? ये कॉपर का ओर है।
को पर, सी यू जिसका फॉर्मूला है सी यू, और हो गया यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एडेप्शन एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड। ओके, तो ये NAFCC कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 2015 में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इनमें से किस चीज़ की होंगी? ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आइसोटोप जो है, आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड डिफरेंट नंबर ऑफ मास होता है, तो हमको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आइसोटोप में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन, या फिर हम बोलेंगे कि ये एशियन, टू विन मिस्टर सुपर नेशनल 2018 ऑन 9 दिसंबर 2018। ओके, मतलब किसको मिस्टर सुपर नेशनल 2018 बनाया गया है, और यहाँ पे आंसर होगा सेकंड। ये एक बार इसको दोबारा से करेंगे, हाँ ये आ गया। तो जो है किसको यहाँ पे बनाया गया है, राइट आंसर इज सेकंड, प्रथमेश मोलिंगकर। प्रथमेश मोलिंगकर को जो है ये सुपर नेशनल 2018 बनाया गया है। ओके, उसके बाद है विद विच सिटी डिड इंडिया होस्ट फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मगार्जन 2018। धर्मगार्जन 2018 किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने ये मिलकर के एक्सरसाइज की है, राइट आंसर होगा आपका जापान के साथ। उसके बाद एक एनोर पोर्ट है, ये कहाँ पे स्थित है? तो एक पोर्ट भी जो है आपने याद रखने हैं, पोर्ट हो गया। ओके, अगर हम बात करते हैं रिवर की तो ये रिवर भी हो गए, नेशनल पार्क आपने याद रखने हैं, और आपको बांध जो होते हैं वो भी याद रखना है। ओके, रिवर के नेम और लोकेशन याद रखनी है उनकी, तो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एनोर जो पोर्ट है किस राज्य में है, राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। उसके बाद है ये किसने बोला था कि इट इज़ द ओपियम ऑफ द मासिस, ये इसका जो फुल सेंटेंस है ये बोला गया था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासिस, और ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड कॉल्ड, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में जो पूरी कंट्री का जो ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड द राइट आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है एक जैन श्वेतांबर ट्रेडिशन है। ओके, तो जो मलिनाथ है इज अ फीमेल तीर्थंकर, तो मलिनाथ स्वामी है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, और इसमें जो फोर्थ आपका जो ऑप्शन है 19th इज द राइट आंसर। ये मलिनाथ स्वामी जो है, मलिनाथ स्वामी ये 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं, और ये किससे जुड़े हैं, ये जैन रिलीजन से जुड़े हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहब ए आलम बहादुर। ओके, तो 1857 में जिस समय क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह ने किसको जो है ये खिताब दिया कि साहब ए आलम बहादुर, ये किसको दिया था इन्होंने, ये टाइटल दिया था बख्त खान को। इन्होंने जो है इसका काफ़ी अच्छा साथ दिया था, काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने इसमें काम किया था 1857 की क्रांति में। एक बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को जो है ये लिखा है। उसके बाद है केसेस दिए गए हैं कुछ, ये चार पांच, तो इसमें से बताना है कि ये प्रियम्बल से रिलेटेड इनमें से कौन सा केस है। तो आपको बताते चलें कि 1960 और 1973 में, 1960 एंड 1973 में दो केस हुए। सबसे पहला था 1960 में केस हुआ बेरुबारी केस। इसमें जो है क्या किया था कोर्ट ने, इसमें बोल दिया था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज़ द नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बिहाफ पे जो है इसमें जो निर्णय आया था। उसके बाद 1973 में केस हुआ
नाम था जिसका केशवनंदा भारती केस, उसमें कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे रिगार्डिंग, जो प्रियम्बल से रिगार्डिंग ये दो केस हैं, तो आपका जिसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं तो सेकंड इज द राइट आंसर। अगर हम प्रियम्बल के बारे में दोबारा आते हैं तो 1976 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ 42nd, जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज़ आवर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद है बोमेंस कैप्सूल आर फाउंड इन, आपके सामने आंसर जो है ऑलरेडी टिक है, तो किडनी ऑफ मैमल से बोमेंस कैप्सूल जो है ये पाया जाता है। उसके बाद है वाटरमेलन मॉडल आया था एक, ओके, एटम के बारे में जिसने बताया था कि एटम किस टाइप का है, तो उसने वाटरमेलन मॉडल दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर थॉमसन पे आ सकता है तो आपने जाहिर सी बात है कि रदरफोर्ड के बारे में भी याद रखना है और नेल्स बोर के भी बारे में आपने पढ़ना है कि इन्होंने किस टाइप से जो है एटम को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद है डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, गेहूं का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा देश है? चाइना है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नोन एज द ओएसिस ऑफ सिंध। ओके, ओएसिस ऑफ सिंध, इनमें से जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेस है कौन से माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज मोहनजोदारो, ओएसिस ऑफ सिंध। उसके बाद है इनमें से जो ये चार हैं सी, सी प्लस प्लस, फ्रंट लाइन एंड पाइथन, इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से कंप्यूटर पे आ गया आपका, तो कंप्यूटर भी आपने जो है वो रेडी करके जाना है। तो फ्रंट लाइन इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन है, सी है और सी प्लस प्लस है। उसके बाद है स्टडी ऑफ मसल, मसल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एंड सेकेंड इज़ द राइट आंसर मायोलॉजी, मायोलॉजी इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं हेपेटोलॉजी, तो स्टडी होती है गैल ब्लैडर की, लीवर की। ओके, और जो नेफ्रोलॉजी है ये किडनी की स्टडी होती है, नेफ्रो, नेफ्रोन से आया है नेफ्रो, नेफ्रोलॉजी। उसके बाद है वार्म एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशिज इन इट टू फिल इट्स प्लेस, देन दिस सेटअप डैश इन एयर। तो राइट आंसर इज कन्वेक्शन। एक्चुअली ये था क्या कि सपोज ये रूम है, ये एयर है, तो जब एयर जो गर्म होगी, सपोज इसका जो टेम्परेचर था वो हाई है, तो हाई होने के कारण जो एयर है वे ऊपर जाएगी। ऊपर जाए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो हल्की होगी, तो ऊपर अगर यहाँ पे सपोज एयर चली गई तो जो ये है ये वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एयर का जिसका टेम्परेचर कम है तो वो एयर यहाँ पे अंदर आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन बोलेंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। उसके बाद क्वेश्चन है डैश हैज़ बिकम 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो 23वां डिस्ट्रिक्ट बना है अरुणाचल प्रदेश का, तो शी योमी इज़ राइट आंसर। तो जो है आपने अरुणाचल प्रदेश के अभी डिप्टी सीएम के भी ऊपर एक क्वेश्चन आया था शुरू में, तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपने करंट अफेयर को भी जो है एक बार देख लेना है। उसके बाद है ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस स्टेट में है? ये राजस्थान में है। तो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जो सभी के सभी जो स्टेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आपने वो सभी याद रखने हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो एक राजस्थान में एक सरिस्का नेशनल पार्क है, एक कियोलैदियो है, एक रणथंबोर है, तो इस हिसाब से जो है आपने याद रखने हैं। और एक ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाल छप्पर, ताल छप्पर। उसके बाद है विच रिलीजन ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर पटोला प्रिंट दुपट्टा। तो ये किस रीजन से रिलेटेड है, तो किस एरिया में है? ये राइट आंसर इज़ गुजरात। ये काफ़ी महंगा दुपट्टा है, उसमें काफ़ी अच्छी जो है डेकोरेशन की गई है इस दुपट्टे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को जो है किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था?
आर्चिमेड्स ने, आर्चिमेड प्रिंसिपल जो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ओके। उसके बाद है एक बुक है जिसका टाइटल है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये किसने लिखी है? रीमा हुजा ने जो है ये बुक लिखी है महाराणा प्रताप के ऊपर। उसके बाद है किसने अभी जो है UNEP, UNEP का मतलब है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये प्राइज़ जीता है, तो किसने जीता है? ये नरेंद्र मोदी ने, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अवार्ड जीता है, UNEP एनवायरमेंट से रिलेटेड है। व्हेन वाज द सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड? तो दूसरा युद्ध हुआ था जो, ओके, वर्ल्ड वार हुई थी, विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। तो आपने जो है ये फर्स्ट भी पढ़ना है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही थी, अलाइड ग्रुप था, ओके, वो सभी आपने जो है कौन कौन से ग्रुप थे वो और किस साइड थे वो सभी आपने पढ़ने हैं। उसके बाद है सिक्किम एक फुल फ्लैज स्टेट बना था, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये बना था, और आपके सामने आंसर फर्स्ट है, 36th अमेंडमेंट हुआ था, उस समय जो है सिक्किम को पूरे एक स्टेट का जो है दर्जा दिया गया था। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये किस स्टेट से होकर के नहीं गुजरती है, नॉट लिखा है, नॉट पासिस थ्रू विच स्टेट, राइट आंसर इज उड़ीसा। तो ये हमारे 8 स्टेट से होकर के गुजरती है, तो 8 के 8 स्टेट के नाम जो है आपके याद होने चाहिए। उसके बाद है ग्रेटर हिमालय को क्या बोला जाता है, तो हिमाद्री भी जो है इसको बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय को। सौरभ चौधरी ने जो है गोल्ड मेडल लिया है इन विच एट द यूथ ओलंपिक गेम इन अर्जेंटीना। तो यहाँ से क्वेश्चन तो यहीं से है कि यूथ ओलंपिक जो हुए थे गेम वो कहाँ पे हुए थे? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की कैपिटल पूछ सकते हैं, तो कैपिटल याद रखनी है, करेंसी भी याद रखनी है, अगर और कुछ रिलेटेड है अर्जेंटीना से तो वो भी आपने जो है याद रखना है, क्योंकि जो करंट में चीज़ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो किस में इसने गोल्ड मेडल लिया था सौरभ चौधरी ने? पिस्टल शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जेरूसलेम कैपिटल है किसकी? इसराइल की, क्योंकि इसराइल के अभी PM जो है वो इंडिया में विजिट के लिए आए थे, तो इस वजह से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है इसराइल के ऊपर। उसके बाद है चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे जनवरी 2019 के, तो इनका नाम क्या था? चीफ गेस्ट थे साइरिल रामाफोसा, ओके। तो आपने जो है इस टाइप से करंट अफेयर भी आपने काफ़ी अच्छे से याद रखनी है। और उसके बाद क्वेश्चन जो है, ओके, तो ये थे हमारे लगभग 40 क्वेश्चन, तो ये पूरे 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और ये स्पेशली IB के लिए था, क्योंकि अभी IB का जो शायद 17th को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए था, शायद आपको इसमें से हेल्प मिले, कुछ एनालाइज करने को मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए।